ये खबर तमाम देशवासियों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि इस खबर से जहां आप जागरूक होकर अपने आसपास, अपने घरों और संस्थानों के आसपास रहने वाले ऐसे संदिग्ध लोगों पर निगाह रखकर एक बड़ी जानकारी पुलिस को दे सकते हैं, वहीं किसी अनचाही घटना से होने वाले नुकसान से भी खुद को, पूरे समाज को और देश को बचा सकते हैं। नववर्ष 2023 के पर जिला पुलिस कुरुक्षेत्र को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिला पुलिस की टीम ने पाइपलाइन से तेल चोरी करने के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस की अपराध शाखा 2 ने पाइपलाइन से तेल चोरी करने के आरोप में स्वर्ण सिंह पुत्र रंजीत सिंह वासी नई दिल्ली, आबिद पुत्र स्तार वासी गांव मंडोला जिला गाजियाबाद, हाल किरायेदार शेखपुरा जिला बागपत, नफीस पुत्र यासीन अली वासी अशोक विहार कॉलोनी थाना टोनिका सिटी लोनी गाजियाबाद, राशिद खान पुत्र कासिम खान वासी अशोक विहार कॉलोनी गाजियाबाद, सोमपाल पुत्र दरियाव सिंह वासी गांव जगदीशपुर टांडा थाना राय जिला सोनीपत हाल पटेल नगर थाना गन्नौर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आज प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि 17 दिसंबर 2022 को थाना शाहबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में आदित्य सहायक प्रबंधक आईओसीएल एनआरपीएल अम्बाला ने बताया कि आईओसीएल भारत सरकार की एक सार्वजनिक इकाई है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी से एक भूमिगत तेल पाइपलाइन कुरुक्षेत्र अम्बाला से होते हुए जालंधर तक जा रही है, जिसमें उच्च दाब पर पेट्रोलियम पदार्थों का प्रवाह होता है। ये पाइपलाइन थाना शाहबाद के जगीर विहार कॉलोनी से भूमिगत 1.5 एम से 2 एम की गहराई तक निकलती है। 14 दिसंबर 2022 को सुबह 1:40 के समय 2:30 बजे सुबह तक प्रेशर ड्रॉप की सूचना आईओसीएल अम्बाला कंट्रोल रूम में मिली। इसके बाद 14 दिसंबर 2022 की रात्रि 7 बजे से 15 दिसंबर 22 तक सुबह 7 बजे तक प्रेशर ड्रॉप की सूचना आईओसीएल अम्बाला कंट्रोल रूम में मिली। इसके बाद 16 दिसंबर को पाइपलाइन के ऊपर डीसीबीजी सर्वे किया गया। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर हमने आईओसीएल एमजेपीएल चैलेंज 202.200 केएम पर खुदाई कराई, जिसमें पाइपलाइन के ऊपर वाल फिटिंग पाई गई, जो कि पाइपलाइन क्षेत्र के साथ लगते घर में जा रही थी। इस फिटिंग के द्वारा अज्ञात लोगों ने 14 दिसंबर 2022 की सुबह 1:40 से 2:30 बजे 2:50 तक लगभग 3000 लीटर व 14 दिसंबर 2022 को रात्रि 7 बजे से 15 दिसंबर 2022 तक सुबह 7 बजे तक लगभग 10000 लीटर डीजल की चोरी की है। यह घटना बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो सकती थी, जिसकी शिकायत पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अपराध शाखा 2 कुरुक्षेत्र को सौंपी गई। अपराध शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार के मार्गदर्शन में टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए मथुरा जालंधर पाइपलाइन से तेल चोरी करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पत्रकारों को आज जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों से चोरी किया गया 65 लीटर डीजल, 4,10,000 रुपए की नकदी, एक ट्रैक्टर, 5500 लीटर का एक सेफ्टी टैंक, 4 मोबाइल फोन, वारदात में प्रयोग की गई बलेरो गाड़ी, वारदात में प्रयोग की गई ड्रिल मशीन, वेल्डिंग मशीन, 2 कस्सी, खुरपी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले का मुख्य आरोपी स्वर्ण सिंह पुत्र रंजीत सिंह वासी नई दिल्ली के खिलाफ राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में तेल चोरी करने के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है। आरोपी स्वर्ण सिंह थाना सदर थानेसर में वर्ष 2015 में दर्ज तेल चोरी के मामले में कोर्ट से पीओ घोषित हुआ है। आरोपी स्वर्ण सिंह पर एडीजीपी अम्बाला मंडल द्वारा 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में ये सामने आई कि आरोपी घटना को अंजाम देने से पहले पाइपलाइन के नजदीक किसी मकान या प्लाट को खरीदकर उसके ऊपर मकान या कमरा बना लेते, उसके बाद आरोपी उस मकान से पाइपलाइन तक जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर पाइप डाल देते, तेल की मेन पाइप में पहले वेल्डिंग मशीन से वाल्व लगाते, उसके बाद पाइप में ड्रिल मशीन से छेद करके उसे अपनी पाइप से जोड़ देते और इस प्रकार अपने मकान या कमरा में उस पाइप में टूंटी डाल लगाकर डीजल चोरी करते थे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला काफी गंभीर है, क्योंकि इस तरह से तेल चोरी करने से कोई भी घटना हो सकती है, यहाँ तक कि पाइपलाइन में ब्लास्ट का भी खतरा हो सकता है, खतरा रहता है। ऐसे में ये खबर उन तमाम लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो जागरूकता का परिचय देते हुए पुलिस को ऐसी सूचनाएं दे सकते हैं जिनके आसपास कोई भी असंदिग्ध घटना घटित हो रही हो या कोई असंदिग्ध व्यक्ति रह रहे हो। कि ये IOCL की जो डीजल की पाइपलाइन है मथुरा से जलंधर की, जो इनकी पाइपलाइन की फिटिंग है अंडरग्राउंड, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी जो है क्रॉस करती है, और 17 दिसंबर को शाहबाद थाने एरिया में ये जो है सूचना मिली थी
कि वहाँ किसी ने एक बहुत ही अजीब से ढंग से, ऊपर से देखने में कुछ नहीं लेकिन 35 फुट एक खाई खोद के, एक टनल बना के, एक साथ ही करीब 40-45 फुट दूर एक मकान बना के और वहाँ से इस पाइप को कनेक्ट कर रखा था और वहाँ से जो है ये तेल चोरी कर रहे थे। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई इमिजिएटली ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी तफ्तीश जो है CIA 2 जो इंस्पेक्टर प्रतीक है उनकी टीम को दी गई और ये काफ़ी सीरियस मैटर है। चोरी का तो एक एंगल है लेकिन इससे ज़्यादा जो इसमें थ्रेट है वो, क्योंकि ये इतने बड़ी संख्या में डीजल का फ्लो पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है और कुछ भी इसमें दुर्घटना हो सकती है और काफ़ी एक मेजर ब्लास्ट होने का भी इसमें खतरा रहता है। तो इसी कड़ी में आगे तफ्तीश को बाकी एंगल जोड़ते हुए इसमें जो मुख्य आरोपी है स्वर्ण सिंह, ये दिल्ली का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ जो इस गैंग में और मेंबर हैं, 3 इसमें व्यक्ति UP के रहने वाले हैं जिनका नाम आबिद, नफीस और रशीद, ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया। और एक सोनीपत का व्यक्ति है सोमपाल, इन 5 व्यक्तियों को अभी जो है अरेस्ट किया गया है। और पुलिस रिमांड के दौरान इनसे जो इम्प्लीमेंट्स ये यूज़ करते थे ये तेल चोरी करने के लिए, वो इनसे बरामद किए गए, चाहे वॉल हो, चाहे वो वेल्डिंग मशीन हो, और जिस ट्रैक्टर में जो वो जो टैंकर था जिसमें ये तेल डाल के लेके जाते थे उसे भी बरामद किया गया है। मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं, जो डीजल चोरी किया था वो बरामद किया है और साथ साथ जो डीजल सेल करके जो कैश है करीब 4,10,000 रुपये वो भी इनसे बरामद किया गया है। तो सर पहले भी ऐसे आरोपी का देखिए, ये एक इंटरस्टेट गैंग है। इनके स्वर्ण सिंह के खिलाफ ना केवल हरियाणा में गुड़गांव में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में भी 2015 में एक केस में अरेस्ट हुआ था, उसके बाद ये बेल जम करके PO डिक्लेयर हो रखा था। ये जो डीजल की पाइपलाइन है मथुरा से जलंधर की, जो इनकी पाइपलाइन की फिटिंग है अंडरग्राउंड, वो हमारे एक डिस्ट्रिक्ट से भी जो है क्रॉस करती है। और 17 दिसंबर को शाहबाद थाने एरिया में ये जो है सूचना मिली थी कि वहाँ किसी ने एक बहुत ही अजीब से ढंग से, ऊपर से देखने में कुछ नहीं लेकिन 35 फुट एक खाई खोद के, एक टनल बना के, एक साथ ही करीब 40-45 फुट दूर एक मकान बना के और वहाँ से इस पाइप को कनेक्ट कर रखा था और वहाँ से जो है ये तेल चोरी कर रहे थे। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई इमिजिएटली ये मुकदमा दर्ज किया गया और इसकी गंभीरता को देखते हुए इसकी तफ्तीश जो है CIA 2 इंस्पेक्टर प्रतीक है उनकी टीम को दी गई और ये काफ़ी सीरियस मैटर है। चोरी का तो एक एंगल है लेकिन इससे ज़्यादा जो इसमें थ्रेट है वो, क्योंकि ये इतने बड़ी संख्या में डीजल का फ्लो पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है और कुछ भी इसमें दुर्घटना हो सकती है और काफ़ी एक मेजर ब्लास्ट होने का भी इसमें खतरा रहता है। तो इसी कड़ी में आगे तफ्तीश को बाकी एंगल जोड़ते हुए इसमें जो मुख्य आरोपी है स्वर्ण सिंह, ये दिल्ली का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ जो इस गैंग में और मेंबर हैं, 3 इसमें व्यक्ति UP के रहने वाले हैं जिनका नाम आबिद, नफीस और रशीद, ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इनको अरेस्ट किया गया। और एक सोनीपत का व्यक्ति है सोमपाल, इन 5 व्यक्तियों को अभी जो है अरेस्ट किया गया है। और पुलिस रिमांड के दौरान इनसे जो इम्प्लीमेंट्स ये यूज़ करते थे ये तेल चोरी करने के लिए, वो इनसे बरामद किए गए, चाहे वॉल हो, चाहे वो वेल्डिंग मशीन हो, और जिस ट्रैक्टर में जो वो टैंकर था जिसमें ये तेल डाल के लेके जाते थे उसे भी बरामद किया गया है। मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं, जो डीजल चोरी किया था वो बरामद किया है और साथ साथ जो डीजल सेल करके जो कैश है